तो मैं अमेरिका में था और आप जानते हैं कुछ लोगों को गुरु शब्द से बड़ी परेशानी होती है यह चार अक्षर वाला शब्द है आप जानते हैं उन्हें दूसरे चार अक्षर वाले शब्दों से कोई परेशानी नहीं है यह चार अक्षर वाला शब्द है गुरु आप गुरु क्यों हैं यही बात एक महिला ने मुझसे पूछी आप गुरु क्यों हैं ओह क्योंकि आप अभी ऐसी स्थिति में हैं आप अपने आसपास की चीजें सिर्फ तब नहीं देखते जब आपकी आंखें खुली होती हैं बंद आंखों में भी आपके दिमाग की कल्पना चलती रहती है है ना आपको समझना चाहिए पलक का काम है कि अगर आप इसे बंद कर लें तो दुनिया बाहर यही इसका मकसद है हाँ या ना पलक का काम है देखिए कैमरा में एक ढक्कन होता है जब आप ढक्कन लगा देते हैं तो दुनिया कैमरे से बाहर होती है हा पलक वही है वो कैमरा लेंस की ढक्कन की तरह होती है अगर आप ढक्कन लगाने, तो लगाने के बाद भी देखते हैं तो आपका दिमाग खराब हो गया है अगर आप ढक्कन लगाने के बाद भी देखते हैं तो आपका दिमाग सही में खराब हो गया है या दूसरे शब्दों में आपके दिमाग की बुनियादी क्षमताएं जो याददाश्त और कल्पना है दोनों काबू से बाहर हो गए हैं आप नहीं जानते कि अपनी याददाश्त का इस्तेमाल कैसे करें आप नहीं जानते अपनी कल्पना का इस्तेमाल कैसे करें बीते कल और आने वाले कल का आपका दुख बस यही है आप अपनी याददाश्त और कल्पना से काबू खो बैठे हैं अगर अपनी याददाश्त और कल्पना पर आपका काबू होता तो मैं आपको अपना सहयोगी मानता मगर अब आप अपनी याददाश्त और कल्पना पर से काबू खो बैठे हैं इसका मतलब है आपको पागल खाने में होना चाहिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा न होने के कारण आप पागल खाने की बजाय मुंबई में हैं। हाँ आप अपनी याददाश्त और कल्पना पर से काबू खो बैठे हैं इसका मतलब है कि आपके पास दिमाग की क्षमता का लाभ उठाने की काबिलियत नहीं है जो इन दो चीजों पर नियंत्रण होने पर आप कर सकते थे कुछ हो रहा है सफलता का आपका विचार ये है कि आपने रोजी रोटी कमाई ठीक है आपने अपने पड़ोसी से थोड़ी बेहतर रोजी रोटी कमाई तो आप आपके पड़ोसी के पास मारुति है आपके पास मर्सिडीज है यह आपकी बड़ी सफलता है मान लीजिए कल हम हर किसी को मर्सिडीज बांट देते हैं <laughs> आप उसमें बैठना नहीं चाहेंगे हा? तो आपको मर्सिडीज की तकनीक की कोई कदर नहीं है आपकी एकमात्र चीज है देखिए क्योंकि मैं मैं रतन टाटा से बात कर रहा था जो ऑटो इंडस्ट्री में है इंडस्ट्री से अधिक उनमें ऑटो को लेकर जुनून है ऑटो पर्सन ओके तो एक बार जब हम साथ बैठे थे हम आध्यात्मिकता या कारोबार की बात नहीं कर रहे थे हम सिर्फ कारों और मशीनों की चर्चा कर रहे थे तो जब हम इन चीजों को देखते हैं देखिए बात सिर्फ इतनी है अगर आप अखबारों में कारों का विज्ञापन देखें मैं देखता हूं ठीक है कोई नया मॉडल है क्या मैं उसे देखता हूं मेरा उसे खरीदने का इरादा नहीं होता मगर मुझे ये जानने में दिलचस्पी होती है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है मैं उसे देखता हूँ वे कहते हैं लेदर सीट वुड फिनिश ये चीज इस तरह का पेंट मैं देखता हूं कि इंजन कौन सा है ट्रांसमिशन कैसा है गेयरिंग सिस्टम कैसा है गेयर की समस्या क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ कुछ नहीं सिर्फ लेदर पेंट वर्क स्टीरियो सिस्टम हे भगवान इन सब से कार नहीं बनती ये एक लिविंग रूम है कार का मतलब है इंजन कैसा है उसका टॉर्क कैसा है बीएचपी कैसा है ट्रांसमिशन कैसा है गियरिंग कैसा है वो कैसे चलती है क्या करती है नहीं 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 ये पेंट वर्क के बारे में है क्योंकि कार का मतलब है कि वो कितनी चमकीली है और कैसे आपके पड़ोसी की आंखें चौंधिया देती है आप जानते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है <laughs> क्योंकि आपने अपना जीवन ऐसा बना लिया है कि आपके जीवन की गुणवत्ता आपके पड़ोसी की राय से तय होती है चाहे पड़ोसी बगल के घर वाला हो या कहीं और कोई और किसी और की राय आपके जीवन की प्रकृति तय करती है क्योंकि खुली आंखों और बंद आंखों से आप उसी दुनिया को देखते हैं आपको कम से कम अपने जीवन में इतना कमाना चाहिए कि अगर आप लेंस पर ढक्कन लगाएं तो उसे बंद होना चाहिए हाँ? आपको कुछ नहीं देखना चाहिए अगर आप चीजें देखते हैं मतलब आपका दिमाग खराब हो गया है यह मत सोचिए कि आप आध्यात्मिक हो गए नहीं सदगुरु आंखें बंद करने पे मुझे शिव दिखते हैं आपका दिमाग सच में खराब हो गया है आप सिर्फ पागल नहीं आप एक धार्मिक पागल हैं